हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार यदुवंशी आपकी क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स के साथ। साथियों, आप जानते हैं कि सुबह 8 बजे से आपकी ये क्लासें रेगुलर चल रही हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। आपको याद दिला दें कि ये सारी क्लासें पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पर चलने वाली हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाली हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी या फिर आप देखोगे तो नीले कलर में लिखा होगा पीवीआर स्टडी क्लास 9th एंड 10th। आप उस पर टच करोगे, फट से पहुँच जाओगे। चलिए अभी इस पर चल रही देखते हैं। कह रहा कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी एक प्रकार से ये जान लो कि गुणनखंड विधि से इनका क्या करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, फैक्टर निकालना है बस। तो चलो कैसे करते हैं। इस तरह के समीकरण को हमने आपको बहुत पहले भी बता दिया है कि अगर लास्ट में चिन्ह माइनस है, लास्ट का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो हम ये ट्राई करते हैं कि जो इसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का, जैसे एक बात यहाँ समझ लो, अगर ये 2x² लिखा है, इसका मतलब जो यक्स का गुणांक है वो क्या है, यहाँ पर 2 है। यक्स का गुणांक क्या है, 2 है। अगर यहाँ पर बच्चा लोग ये देखो 3x⁵ लिखा है और मैं आपसे पूछूं कि यक्स की घात 5 का मान क्या है, तो आप बताओगे कि यक्स की घात 5 का गुणांक है बच्चा लोग वो क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। तो इनको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, इनको इंग्लिश में कोफिशियंट बोला जाता है। ओके, क्लियर। अब देखो इस तरह से यहाँ पर अगर हम गुणांक की बात करें तो क्या है, 1 है। कितना है इसका गुणांक, 1 है। तो इस तरह से आप ये ट्राई करोगे कि 1 का मल्टीपल करो कि इसमें सीधा फीधा 10 में, तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई टेंशन नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ एक बात समझना है कि ये जो नंबर है 3 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि जिसको अगर गुणा करो तो क्या हो जाए, 10 हो जाए, और अगर घटाओ तो 3 आए। बोलो कोई ऐसी दो गिनती बताओ, दो नंबर बताओ जिसको अगर हम गुणा करें तो 10 हो और घटाएं तो 3 आए। जैसे मान लो हमने लिख लिया क्या, 5 और 2, तो 5 दूना क्या होगा, 10। 5 का 2 में गुणा 10 होगा और 5 में से 2 घटाओगे तो 3 होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर जैसे है उसको वैसे लिखो, माइनस 3 को आप लिख सकते हो 5 माइनस 2। बोलो लिख सकते हो कि नहीं। 3 को आप 5 माइनस 2 लिख सकते हो, इंटू यक्स बाहर था तो यक्स, और माइनस का 10 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। बस हो गया आपका काम, यही आपको करना था। इसको आप हल कर लीजिए, देखिए इसके दो जो है मूल आ जाएंगे फटाफट अभी आपके सामने। और एक बात याद रखना, जिस समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। तो इस तरह से यारों ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस, कोष्टक खोलोगे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये 5 का x में मल्टीपल होगा तो ये 5x। अब अंदर के चिन्ह बदलेंगे, ये चिन्ह थोड़ी बदल जाएगा कि यहाँ प्लस हो जाएगा, ये चेंज होगा, माइनस का ये 2 हो जाएगा, x में मल्टीपल x माइनस 10 इक्वल 0। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 0 लेवल मैथ देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कैसे हो रहा है तो, ठीक है। देखो इन दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन होगा। कॉमन का मतलब मैं बेसिक मैथ में बहुत अच्छे से बताया हूँ। इनमें x कॉमन लेंगे तो हमें बचेगा x माइनस 5, इनमें अगर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। इस तरह से आप देखोगे x माइनस 5 और x प्लस क्या आएगा, 2 इक्वल, ये 0 था तो ये 0 हमेशा रहेगा। एक एक को आप 0 के बराबर करोगे, जब यक्स माइनस 5 = 0 तो यक्स बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। यदि यक्स प्लस 2 = 0 तो यक्स बराबर -2 आएगा। यानी यहाँ पर द्विघात समीकरण के जो दो मूल आ रहे हैं वो क्या हैं, आप नीचे लिख लेना। अतः द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 10 = 0 के मूल प्लस में है 5 - 2 हैं। बस हो गई कहानी ख़त्म, अगला समीकरण पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही ध्यान से देखो, ईमानदारी से, कहीं भी जाना नहीं, ठीक है, पूरा क्लास को देखना एंड तक, बहुत जल्दी ही समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बड़ा मज़ेदार सवाल है। देखो यार, आप लोग कुछ करने की खुद से भी कोशिश करो। अगला सवाल इसी का दूसरा पार्ट है, बच्चा लोग बहुत ध्यान से देखो। NCERT बुक है आपका, एक्सरसाइज नंबर है ये 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd नंबर पार्ट, प्लस यक्स माइनस 6 = 0। यार यहाँ बड़ा गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा फ़ैन चलाने पे आपको आवाज़ आती होगी क्योंकि AC वगैरह तो लगा नहीं, बड़ा गड़बड़ चल रहा है सिस्टम इस समय कोरोना के डर से, तो भैया थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो आगे क्या है, इसमें क्या है, मैंने आपको पहले मल्टीपल करके दिखाया था इधर साइड में, इसमें भी आप 2 का मल्टीपल करोगे 6 में, तो बच्चा लोग आप जानते हो कि 2 का मल्टीपल 6 में करोगे तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। यानी आपको एक काम करना है, वो क्या करना है कि कोई दो ऐसे अंक खोजना है जिनको गुणा करो तो 12 हो जाए, और अगर उनको घटा लो आपस में, चूँकि यहाँ माइनस है तो घटाने पे देखा जाएगा, अगर प्लस होता तो जोड़ते, तो घटाने के बाद 1 आना चाहिए क्योंकि इसका गुणांक क्या है, 1 है ना, x का गुणांक 1 है। तो आप ये जान लो कि
थी वो गिनती हो जाएंगी चार और तीन। क्या होगा? चार और तीन, चार में से तीन घटाओगे एक आएगा ना, एक आएगा, और ये यक्स जो है ऐसे ही लिख दिया जाएगा माइनस का छः इक्वल जीरो। बात समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आएगा कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो मैं इसको थोड़ा विस्तार से आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज हो रहे हैं बच्चा लोग वो ये समझ लें। जैसे मैंने यहाँ बताया था वैसे वहाँ भी, हाँ यहाँ पे देखो मैंने ये बताया था ना कि इसका गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक तीन है। तो हमने इस नंबर को ब्रेकेट के अंदर इस तरह से लिखा था कि अगर इसको हम घटाएँ तो ये तीन आ जाए। बोलो पाँच में से दो गया तीन आ रहा ना, वैसे यहाँ है, यहाँ पर यक्स का गुणांक एक है, कुछ नहीं होता तो हमेशा एक मानते हैं। तो अगर हम इन दोनों को घटाएं तो एक आ जाए, जो कि वहाँ दिख नहीं रहा आपको, तो घटाएंगे चार में से तीन तो एक आ जाएगा। बस इतना ही करना था। अब इनको हल कर लो प्यार से, ये 2x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस का प्लस, 4 का x में गुणा करो तो 4x, माइनस 3 का x में करो तो 3x, और ये बच्चा लोग जो माइनस का 6 है ना इसको 6 लिख लो इक्वल जीरो। अब आप कॉमन लोगे, इन दोनों में कॉमन ले लो, 2x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4 आएगा। मैं सही लिख रहा हूँ क्या? नहीं, 2x से जब भाग दोगे 4x में बच्चा लोग, तो ये जान लो सिर्फ 2 आएगा, ओनली क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ माइनस का 3 कॉमन लोगे तो x माइनस, और ये देखो प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप कॉमन माइनस में लोगे तो अंदर में चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, अगर कोष्टक खोलोगे तो फिर वो माइनस हो जाएंगे, याद रखना। हाँ तो ये हो जाएगा, हो गया काम ख़त्म, इक्वल जीरो। यानी आपके जो समीकरण के दो मूल आ गए एक्स प्लस टू और 2x माइनस का 3 बराबर 0 आ गया। यदि देखो यहाँ दो मूल आएंगे, यदि x प्लस 2 इक्वल 0 लिख लो तो x बराबर माइनस का 2, इतना दिख रहा ना अच्छे से। इसी तरह से आप दूसरा वाला भी 0 के बराबर कर लो। देखो नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लेना, ठीक है? लो देख लो, नीचे भी देख लो बच्चा लोग, दिख रहा है ना नीचे? क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके गुड। चलिए अब क्या है, इधर साइड में आपको दिख रहा होगा, यदि x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस का 2, यदि 2x माइनस 3 इक्वल 0 तो x की वैल्यू आएगी 3/2। इस तरह से x के दो मूल आ गए, कौन कौन से? माइनस 2 एंड 3/2 ना, यही तो। लिख लो जल्दी से, ये दो पार्ट हो गए, अभी अगला भी देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन ऑन करें जिससे कि आप पढ़ सकें, जल्दी करें। इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत जल्दी करो, देर ना करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। दोनों हल हो चुके हैं, सामने से हम हट चुके हैं, लुक चुके हैं, छुप चुके हैं, जल्दी करो। देखिए इसका अगला पार्ट बहुत ही ध्यान से देखना, ईमानदारी से, बहुत ही आसान है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, इसमें अंडर रूट लगा है, इसको देख के मत घबराना, अंडर रूट वाला और आसान होता है। क्या करना हमें, हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक का मल्टीपल करना है, किस में? लास्ट वाले अचर पद में। तो इसका हम गुणा करेंगे अंडर रूट टू का 5 × √2 में। तो बच्चा लोग आप ये जान लो, मैंने आपको कई बार बताया था, अगर आप अंडर रूट टू का मल्टीपल अंडर रूट टू में करोगे तो आपको पता है इसका उत्तर 2 आता है। लेकिन आता कहाँ से है, वहाँ तक मैं आपको ले चल रहा हूँ। सोचो, गेस करो, अगर आप 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 आएगा, अंडर रूट लगा है तो वैसे ही लगा रहेगा, और जब आप 4 का वर्गमूल करोगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट में शॉर्ट रूप में कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर वर्गमूल का चिन्ह लगा है, उनका गुणा करोगे तो वो संख्या आ जाएगी, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, ऐसा इसलिए होता है, ठीक है? तो वही केस यहाँ भी बनेगा, अंडर रूट टू का हमें गुणा करना है किस में? देखो अंडर रूट टू का गुणा करना है 5 × √2 में। तो आप देखोगे जब बच्चा लोग ये करोगे 2 का रूट 2 का रूट 2 में, और 5 तो ऐसे अटका रहेगा जैसे है, इसका कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है? तो ये 2 हो जाएगा फाइनल में, 2 और ये 5 वैसे रहेगा तो बराबर 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10। यानी हमें कुल मिला करके यहाँ ये नहीं देखना, हमें 10 देखना है। कितना देखना है? 10, 10। ओके अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ईमानदारी से इसको देखना, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। बस एक पॉइंट का दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। देखो कैसे, यानी हमें ये समझना है कि कोई दो अंक लेने हैं जिनको गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए, जोड़ने पर 7, गुणा करने पर 10। जल्दी से कमेंट करके बताओ ऐसे दो अंक कौन से हो सकते हैं, जल्दी बोलो। तो बच्चा लोग आप ये जान सकते हो, वो हो सकते हैं 5 × 2, यानी 5 को 2 में जोड़ोगे तो 10, और 5 का 2 में गुणा करोगे तो, सॉरी, 5 का 2 में गुणा करोगे तो 10, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा एक्स, और प्लस ये 5 और अंडर रूट 2। अब इनका मल्टीपल करो फटाफट, जो भी आप करते आए हो, 5 का x में प्लस 2 का x में
प्लस ये इतना। अब कॉमन लेते समय भी आपके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि भैया इसमें कॉमन क्या लोगे तो बचेगा क्या, ये बड़ी आफत है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें दोनों में यक्स कॉमन होगा, ओनली यक्स कॉमन होगा, तो अंडर रूट टू यक्स बचेगा और प्लस पाँच बचेगा। ओके गुड। अब कहोगे इसमें दोनों में तो कोई कॉमन ही नहीं है, है कॉमन, इस पे कॉमन है। जैसे आपने देखा होगा नारियल, नारियल के ऊपर भी एक कवर होती है, उसके अंदर एक कवर होती है ना। आपने प्याज देखा होगा, प्याज में कई परत होती हैं, वैसे इसमें कई परतें जमी हैं। वो कैसे, देखो इधर अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू का मतलब होता है दो, इतना आप जानते हो ना, जानते हो ना। जैसे दो का दो में गुणा करने पे चार होता है, वैसे अंडर रूट टू का अंडर रूट टू में करने में दो होता है। तो हम क्या करेंगे ना बच्चा लोग, एक अंडर रूट टू कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास, ये दूसरा छुटका हुआ बचा रहेगा ना, बचा रहेगा ना। तो वैसे हम क्या करेंगे, इसमें से एक अंडर रूट टू कॉमन ले लेंगे। किसमें से, इसमें से जो आपको नहीं दिख रहा है, तो इसमें एक अंडर रूट टू अभी बचा है, वो अंदर में रहेगा एक्स के साथ में रहेगा, और इसमें अंडर रूट टू निकल गया तो बचा है पाँच। और ये देखो दोनों का ये कोष्टक का जो मटेरियल है ना, ये कोष्टक के माल इक्वल होने चाहिए, याद रखना। जैसे इसमें वैसे इसमें भी, मतलब एक समान, चिन्ह भी वही, गिनती भी वही, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए दोनों ब्रेकेट में। अब क्या होगा, अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव और ये एक्स प्लस अंडर रूट टू, ये हो गए इक्वल, ये सभी जीरो हैं बच्चा लोग, तो आप इनको सबको जीरो कर लेना फटाफट। हाँ जीरो, क्योंकि द्विघात समीकरण है, सब जीरो हैं। अब एक एक को जीरो के बराबर कर लो तो यक्स के मूल आएंगे, पहला कितना आएगा पता है आपको, माइनस पाँच बटा अंडर रूट दो आएगा, और चूंकि अंडर रूट नीचे लगा के कभी लिखते नहीं हैं, इसलिए इसको अंडर रूट से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो फाइनल में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस पाँच अंडर रूट टू और नीचे आ जाएगा दो, ये हो जाएगा इसका एक मूल। और अगर दूसरे मूल की बात करें तो दूसरा मूल इसका क्या होगा, यक्स इक्वल माइनस का अंडर रूट टू, कितना आएगा माइनस अंडर रूट टू। तो ये हो गए आपके तीनों पार्ट हो गए पहले क्वेश्चन के, आप जल्दी जल्दी छाप लो फटाफट। और एक बात याद रखना, PBR स्टडी क्लास 9th एंड 10th जो चैनल का नाम ऊपर लिखा रेड कलर में, डिस्क्रिप्शन में देखो ये नीले कलर में होगा, इस पर टच करो फट से, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सारी क्लासें उसी पर ट्रांसफ़र होने वाली हैं। और नई बैच 25 तारीख से उस पर चलने वाली है, 25 अगस्त से नई बैच शुरू से एकदम क्लास 10th मैथ, और क्लास 10th की मैथ सुबह 7 बजे से चलेगी उस पर, कितना बजे से, 7 बजे से, याद रखना। इस पर 8 बजे से चल रही, उस पर 7 बजे से चलेगी, फिर ये 8 बजे वाली क्लास यहाँ बंद हो जाएगी, तो वहाँ 7 बजे से देखोगे ना, सही रहेगा, कमेंट करके बताओ 7 बजे से देख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, नहीं तो ऊपर नंबर दिया गया संपर्क करना। ओके चलो देखिए, ये क्वेश्चन मैं फाइनल कर दे रहा हूँ, इसमें 5 पार्ट थे, मैंने एक भी पार्ट नहीं छोड़ा है। अगर आपके मन में तनिक भी दया भावना होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर जरूर करोगे अपने साथियों में, है ना। मैंने हर एक पार्ट कर दिया 5ों में से। देखो इसका जो 4था पार्ट कह रहा है, इसमें मैं आपको टेक्निक बता दे रहा हूँ बच्चा लोग, ये जान लो कि 2 का गुणा करोगे 1/8 में, 2 का जब गुणा करोगे 1/8 में तो आप जानते हो ये कट जाएगा, तो मतलब 1/4 आएगा। यानी आपको क्या करना है कि कोई दो ऐसी संख्या लेना है जिनका गुणा करने पर 1/4 आए, क्या आए, उनका गुणा कर दें तो 1/4 आए, और अगर उनको जोड़ दें तो यक्स का गुणांक क्या है इसमें, 1 है ना, उनको जोड़ दें तो 1 आए, यानी जोड़ें तो 1 आए, गुणा करने तो क्या आए, 1/4 आए। तो वो संख्याएं आप रखोगे 1/2 / 1/2, देख लो करके, अगर 1/2 को 1/2 में जोड़ोगे बच्चा लोग तो आप ये जान लो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। और अगर इनका मल्टीपल करोगे यहाँ पे तो देखो 1 1 जा 1 2 2 जा 4, 1/4 आएगा। इस तरह से आप यहाँ क्या कर लोगे, यहाँ कर लोगे आप 1/2 प्लस 1/2 इंटू यक्स प्लस 1/8, और इधर जो है माइनस 2x का स्क्वायर, गुणा कर लेना, कॉमन ले लेना, उत्तर आ जाएगा, कर लोगे ना। इसके दो मूल 1/4 और 1/4 आएंगे, बराबर होंगे दोनों मूल, ठीक। अगले में बात करें, इसको भी कर लेना, अरे इतना तो कर लो यार ना, मैंने 3 बता दिया कि नहीं बता दिया, दिमाग ज़्यादा मत लगाया करो, ठीक है ना, कुछ कोशिश करो खुद से भी। अगर मैं सारे सवाल लिख दूंगा तुम छाप लोगे तो कुछ होने वाला नहीं, एग्जाम में तीर नहीं मार लोगे, ठीक है, इसलिए कुछ खुद से भी करो, क्योंकि कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ नाक सिकुड़ रही। देखो इसे, इसमें क्या है, 100 का गुणा करो 1 में तो 100 आएगा, यानी कोई दो अंक बताओ जिसको गुणा करने पर 100 आए, गुणा करने पर 100 आए, और उसको अगर जोड़ दें तो कितना आए, 20 आए, 20 आए। आप देख लो 10 धन 10, 10 में 10 जोड़ोगे 100, 10 में 10 का गुणा करोगे तो बच्चा 10 में 10 जोड़ोगे 20,
10 का 10 में गुणा करोगे तो 100। देखो इस समय रात के बहुत ज़्यादा टाइम हो रहे हैं, इस वजह से हो सकता है कभी कभी मतलब कुछ बातें थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाएं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते ही बना पाओगे, तब भी चैनल मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो नंबर पर संपर्क करना ऊपर। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।